everyone, what's up? Hope you guys doing well. My name is Indira Rani. Welcome back to my channel. आज हम फिर से Amazon haul करने वाले हैं. मैंने recently कुछ चीज़ें purchase किया. अब तो ऐसा हो गया है like पहले ऐसे बचपन में वहाँ कभी भी मैं कुछ सामान खरीद के आती थी ना, कुछ भी चीज़ खरीद के आती थी, कुछ भी shopping करती थी तो मम्मी पापा को दिखाती थी. तो ऐसे ही हो गया, मैं कुछ भी चीज़ें purchase करती हूँ तो आप भी एक फैमिली की तरह बनते जा रहे हो. तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, देखो मैंने ये लाया, इतने में लाया, एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और साथ साथ रिव्यू भी शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको भी ईजी हो. तो चलिए Without further delay, video को start करते हैं. This is my first purchase from Amazon. Yes, this cute little top. मुझे काफी प्यारा लगा ये little top बोल सकते हैं हम. ये crop top है, ये off white color का, इसका material भी मुझे काफी अच्छा लगा and ये मुझे मिला था 400 something में. मैं यहाँ कहीं snapshot लगा दूंगी जो मैंने Amazon से मतलब crop करके रखा हुआ है so that आपको clear रहेगा कि ये कितने में लिया है. एंड ये मैं ये नहीं बोलूँगी काफ़ी कम्फर्टेबल है, बट येस पार्टी वगैरह के लिए आपको कोई एजी सा लुक क्रिएट करने का मन करता है तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा. ऐसे टाइप का आप ड्रेस ले सकते हो, ऐसे टाइप का आप नेकलाइन ले सकते हो, काफ़ी एजी एंड मतलब काफ़ी कूल टाइप का, ट्रेंडी टाइप का आप आउटफिट क्रिएट कर सकते हो. तो आप ये सारी चीज़ें नोटिस करके आप पार्टी वेयर खरीदो, ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो यस, दिस इज माई फर्स्ट परचेज एंड आई एम हैप्पी टू हैव दिस. My next purchase is from Amazon is a skirt. Oh God, I really love this skirt. ये bottle green color में है, satin है, इसका कपड़ा satin में है and ये आप देख पा रहे हो कितने अच्छे फ्लेयर बने हुए हैं, ये ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं. I really love. अगर आप Instagram में हो तो आपको पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी trendy skirt है, बहुत trend में चल रहा है. And यहाँ अपटाउन एक website है, www.uptowni.com. Amazon के थ्रू भी यही वेबसाइट ने मुझे शायद ये मेरा डिलीवरी करवाया है. इनफैक्ट इफ़ आप इस वेबसाइट से डायरेक्टली ले लोगे तो आपको मैंने जितने में लिया है उससे सस्ता मिलेगा. सीरियसली आप Amazon की प्राइस और उसका प्राइस आप कंपेयर करोगे, ऊपर से ये वेबसाइट में शायद 200 डिस्काउंट भी दे रहा है एज पता नहीं मुझे प्रॉपरली, बट मैंने Instagram में स्क्रॉल करते करते मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी. बट आई डोंट रियली ट्रस्ट इन Instagram पेजेस, मुझे ज़्यादा मैं नहीं भरोसा कर पाती हूँ क्योंकि एक बार मैंने ऐसे कुछ मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था और अभी तक मुझे प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, काफ़ी 8-9 महीने हो गए. तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क अगेन. तो मैंने ये डायरेक्टली अमेज़ॉन से ही मंगाया है. अमेज़ॉन में इसका आई गेस पहले इसका 700 समथिंग था, अभी सडनली 656 रुपीज़ हुए हैं इसका. एंड आप ये वेबसाइट से लोगे www.uptowni.com में तो आपको 529 ऐसे ही कुछ मिलेगा. बट मैंने ज़्यादा पैसे दे के भी, बट मुझे प्रोडक्ट चाहिए था अपने हिसाब से, मैं रन कर पाऊँ, एवरीथिंग कर पाऊँ वैसे हिसाब से चाहिए था, तो इसीलिए मैंने अमेज़ॉन से मंगाया. एंड आई रियली लव दिस स्कर्ट. ओ गॉड, बहुत प्यारा स्कर्ट है, पार्टी के लिए तो काफ़ी अच्छा है, आप कैजुअली भी कैरी कर सकते हो, मटेरियल भी काफी अच्छा है. एंड इसका प्राइस मैंने अर्लियर भी मेंशन कर दिया, 656 है. माय नेक्स्ट परचेज फ्रॉम Amazon इज डिग 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 चोकर. ओ गॉड, कितना प्यारा चोकर है. आई गेस बहुत लोगों ने ये चोकर देख लिया होगा अभी तक क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है ये. एंड एक ऐसे ही टाइप का इयर रिंग भी बड़ा बड़ा चल रहा है, वो मैं भी शायद मैं एक्चुअली आई एम लिटरली मिसिंग स्ट्रीट मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ ए परचेज बिकॉज स्ट्रीट मार्केट में काफ़ी सस्ता और अफोर्डेबल मिल जाता है एज कम्पेरेटिवली ऑनलाइन साइट. बट अमेजोन में भी इसका प्राइस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिखा तो मैंने सोचा अमेजोन से ही ले लेते हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी पहनने का मन था, बहुत अच्छा लगा था मुझे. इसके साथ ये आप देख रहे हो इयर रिंग आया हुआ है दोनों साथ. एंड मैं बताऊँ आपको इसका प्राइस है ओनली 213 रुपीज़. यस, आपने सही सुना, ओनली 213. मुझे लगता है स्ट्रीट मार्केट में भी ज़्यादा ही मतलब 10-20 रुपये का फ़र्क होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सरोजनी में ले लोगे व जनपद में तो 50 रुपीज़ का फ़र्क पड़ जाएगा. बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये परचेज करके फ्रॉम अमेज़ॉन बिकॉज आप सी कितना प्यारा सा चोकर है साथ साथ इयर रिंग के साथ. ओ वाओ, आई रियली लव. मैंने पहन के भी देखा, मैं पॉप तो कर दिया होगा व नहीं किया होगा तो कर दूंगी. काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये परचेज. माई नेक्स्ट परचेज फ्रॉम अमेज़ॉन इज, वेट मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको,
ये मैंने अच्छे से निकाला नहीं था। चेन है, लॉक वाला चेन है, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, आपको पता ही होगा इफ आप इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक में भी, ये ट्रेंडी चेन तो चल ही रहा है काफ़ी टाइम से, और मैंने एक भी परचेज नहीं किया था तो सोचा मैं परचेज कर लूँ, और तभी से मैं मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये मिल गया। यस, थोड़ा टाइम लगा बट आउटपुट आपको दिख रहा है ना कितना प्यारा है। ओ गॉड, आई रियली लव दिस चेन, और ये काफ़ी, ये लॉक वाला आप देख रहे हो, ये लॉक वाला मुझे काफ़ी टाइम से पहनने का मन था बट मैंने अभी तक परचेज नहीं किया था, और ये ट्रेंड में, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है ऐसे टाइप का। एंड ये क्यूट सा दिल, आप देख रहे हो कितना क्यूट है। तो ये लेयरिंग चेन है, ये 3 चेन एक ही में आया है, एंड इसका प्राइस मैं भूल गई, 100 समथिंग है या 200 समथिंग है, मैं यहाँ कहीं अमेज़ॉन का वो स्नैपशॉट लगा दूंगी सो दैट आप क्लियर रहे। एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मुझे लग रहा था से मतलब चीप टाइप का दिखेगा अगर आपने मतलब ये वाला खरीदूंगी तो, बट जब मैंने ये रिसीव किया एंड मैंने इसको कैरी किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लुक लगा, अच्छा लगा, चीप नहीं दिख रहा है प्रॉपरली, एक अच्छा लुक क्रिएट। परचेज फ्रॉम अमेज़ॉन on is mask. I really love the sheet mask because मुझे लगता है मेरे फेस को काफ़ी हाइड्रेट करने में sheet mask का बड़ा हाथ होता है। मैं पहले गार्नियर यूज़ करती, this is my first time. इस बार तो मैंने बहुत सारी सी चीज़ें ली है जो मैं first time ही use कर रही हूँ, तो this is my first time जो मैं इस brand का L'Oreal Paris Micro Essence वाला, आपको ये दिख रहा होगा, ये bottle आपको दिख रहा होगा, काफ़ी इसकी review मैंने देखे, मतलब बहुत ज़्यादा review देखे हैं इसके, तो मैंने सोचा चलिए पहले mask use कर लेते फिर ये bottle खरीदा जाएगा, तो मैंने पहले mask ही मतलब ख़रीद लिया। आप देखते हैं ये sheet mask सच्ची में इतना असरदार है, तो let's see मैं बाद में bottle खरीद लूँगी। एंड ये मुझे मिला है 100 समथिंग रुपीस। माई नेक्स्ट परचेज फ्रॉम अमेजोन इज टिक लिपस्टिक। ये कितना क्यूट सा है, छोटा सा है, मुझे आजकल ना छोटे छोटे लिपस्टिक बहुत पसंद है, छोटे छोटे मिंटू से, मतलब मैं ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं, ये छोटा सा है ना, ये कितना क्यूट सा, बिकॉज ये इजी टू कैरी होता है, हम कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हैं। एंड ये फेसेस कैनेडे का है। मैंने इस ब्रांड का कुछ भी अभी तक यूज़ नहीं किया था, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, और मैंने ये रिकमेंड अच्छा सुना तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। एंड ये है, कलर है इसका रेड साइडर इन शेड नंबर 28। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, सी बहुत प्यारा सा टेक्सचर है, आप देख पा रहे हो कितना प्यारा सा है। एक्चुअली मैं आजकल ब्राइट कलर बहुत ले रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्राइट कलर लेना, तो मैंने ये ब्राइट कलर रेड साइडर में ले लिया है, एंड इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये मुझे परचेज मैंने कितने में परचेज किया था, ये आई गेस मैंने 200 समथिंग में परचेज किया है, मैं स्नैपशॉट लगा दूंगी। माई नेक्स्ट परचेज फ्रॉम अमेजोन इज फेस रेजर। यस, दिस इज माई फर्स्ट टाइम कि मैंने फेस रेजर परचेज किया है, अभी तक यूज़ भी नहीं किया है, उससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, सोचिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। तो यस, जब मैं फेस रेज करूँगी, मतलब फेस रेजर यूज़ करूँगी अपने फेस पे, तो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मैंने अभी तक यूज़ तो नहीं किया है बट मैंने इसका रिकमेंड बहुत अच्छे से सुना है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, फ्लॉलेस मेकअप हो, फेयरलेस मेकअप चाहिए आपको तो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी आपको से जब आपका मन करे अंदर से तभी से आप स्टार्ट करना, ऐसे आपको कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको फेस मतलब रेजर यूज़ करना है, फेस रेजर यूज़ करना है, आपका मन करे ओके कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई, क्योंकि मेरा मन करा, अभी तक मन नहीं किया था तो मैंने यूज़ नहीं किया था, बट अभी मेरा मन किया से ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। और इसके अंदर आया है, मैं आपको, मैंने पहले ही निकाल के रखा था, 3 रेजर आया है। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, इफ़ यू आर यूजिंग फर्स्ट टाइम हुआ उसके बाद भी तो आप अपने फेस पे अप्लाई करो, और ये काफ़ी मतलब बहुत बड़ा चीज़ है मैं बोलूँगी हमारे लिए, बेसिकल लड़कियों के लिए, कट जाए, हार्स हो जाए तो टफ हो जाएगा, तो आप अच्छे ब्रांड का यूज़ करो। मैंने ये ब्रांड में बहुत रिसर्च किया, देन ही मैंने ये ब्रांड का यूज़ किया है, एंड ये मुझे पड़ा है 300 समथिंग का, और सबसे अच्छी लग गई है मुझे इसमें। प्रॉपरली आपको स्टेप्स दिए गए हैं पीछे प्रॉपरली से, आपको कैसे कैसे यूज़ करना है, तो इसके हेल्प से आप ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो यस, और जब मैं यूज करूंगी प्रॉपरली तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। माई नेक्स्ट परचेज फ्रॉम अमेजोन इज
नो स्ट्रिप्स, टिक टिक टिक, आपको अच्छा लग रहा होगा, लड़की कितनी मस्त है देखो आप. यस, और मैं आपको सच बताऊँ तो ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं नोज स्ट्रिप फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने वाली हूँ. एंड इसमें मैंने 10 स्ट्रिप्स मंगाए, इसके 1, 2, 3 स्ट्रिप्स वाले भी मिलते हैं, वो बहुत काफ़ी मतलब अफोर्डेबल प्राइस है. आप इजिली कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी आप इजिली परचेज कर सकते हैं, आई गेस 100 ऐसे कुछ होगा. ये 200 समथिंग का पड़ा है मुझे, क्योंकि इसमें 10 स्ट्रिप्स है. आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ, 10 स्ट्रिप्स है, ये आप देख पा रहे हो, बहुत सारे मतलब 10 स्ट्रिप्स मंगाए हैं मैंने. मैंने सोचा एक ही बार में परचेज की, तो आप अगर मेरे को फॉलो करते हो तो मैं बेसिकली होम रेमेडीज़ यूज़ करती थी फॉर रिमूविंग ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स. मैंने एक अपना मतलब जो होम रेमेडीज़ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया. ये आपको, आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. वो भी काफ़ी इफेक्टिवली है. और मैंने सोचा कि कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता है और बहुत सारे डर्ट्स जमा हो रहे होते हैं मेरे नोज़ अराउंड माय नोज़, तो मैंने सोचा तभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने ये परचेज़ किया. एंड इसके भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, तो मैंने सोचा मैं भी परचेज़ करती हूँ, देखती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी रिव्यू प्रॉपरली, क्योंकि मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया. झूठ क्यों बोलूं, तो मैंने यूज़ नहीं किया. जब मैं ये रेजर यूज़ करूंगी उस दिन मैं आप लोगों के साथ पक्का एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी. माय नेक्स्ट परचेज फ्रॉम अमेज़न कलर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका डब्बा फट गया है प्रॉपरली. मैंने जल्दबाजी में इसको निकालने के चक्कर में इसकी हालत ही मैंने ज़्यादा ही ख़राब कर दी है, तो ऊपर के डब्बे से मुझे ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं है. तो अंदर मैंने सारी चीज़ें बचा के रखा है क्योंकि अंदर की चीज़ों से तो मुझे मतलब है और भी है नहीं. ओके, इसमें हमें क्या क्या मिला है मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ. हेयर ब्रश जिसके हेल्प से हम कलर यूज करेंगे. फिर ये मैं भूल गई इसको क्या बोलते, स्पूली, पता नहीं मैं भूल गई प्रॉपरली वर्ड. ये हमें कलर इक्वली मैनेज करने के लिए हमें प्रोवाइड किया गया, जैसे आप कलर लगाओ तो इक्वली ये प्रॉपरली हर बाल में सेट हो जाए, इसीलिए ये हमें दिया गया होता है. फिर ये हैंड ग्लव्स, विद द हेल्प ऑफ हैंड ग्लव्स कलर लगाना, क्योंकि नहीं तो आपके प्यारे प्यारे हाथों में कलर लग जाएगा. उसके बाद दो सैशे मिला है कंडीशनर के, आफ्टर अप्लाइंग कलर हमें बाल धोने पड़ेंगे तो उसके लिए स्ट्रिक्स का ही कंडीशनर मिला है. उसके बाद हमें मेथड के लिए प्रॉपरली गाइडलाइंस मिली हुई है. उसके बाद हमें फर्स्ट एंड सेकंड मेथड मिला हुआ है, इसे हमें कैसे अप्लाई करना है. फर्स्ट के एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट वन, जिस फर्स्ट स्टेप इसमें ब्राउन क्या क्या है, हाँ ब्लॉन्डर पाउडर, मैं सोच ही रही थी इसे क्या बोलते हैं, मैं भूल गई थी, ब्लॉन्डर पाउडर और डेवलपर है, ये दोनों मिक्स करके आपको फर्स्ट में अप्लाई करना है. सेकंड उसके बाद आपको ये कलर यूज़ करना है. एंड उसके बाद होप्स हो ऐसा कलर आ जाए, आई रियली वॉन्ट कि पर्पल कलर हो जाए. इफ़ मैंने फर्स्ट में एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही कलर मंगाया, इफ़ अच्छा रिजल्ट आया तो मैं और भी कलर मंगाऊंगी, बिकॉज मुझे पर्पल कलर करना बहुत मन है. आप पार्लर भी जा सकते हो, जो अफोर्ड कर सकते हो, जो नहीं कर सकते तो यूज़ दिस मेथड जैसे मैं कर रही हूँ. लास्ट परचेज फ्रॉम अमेज़न इज दिस, अच्छा है ना, ये सबको पता होगा ये क्या है. यस, दिस इज अ मेकअप रिमूवर, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये. गार्नियर का स्किन नेचुरल मेकअप क्लिंजर, क्लिंजिंग वाटर बोल सकते हैं, मेकअप रिमूवर बोल सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है 2-3 लेयर भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, ईजिली ये निकाल सकता है, क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद है. ये मैंने पहले भी यूज कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने ये परचेज किया है एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, अच्छा आउटपुट मिलता है. एंड ये मुझे 100 समथिंग रुपीज़ में मिला है, मैं प्रॉपरली अच्छे से याद नहीं है मुझे, मैं यहाँ का स्नैपशॉट डाल दूंगी. That's it for today. Hope आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो. ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको सबसे फेवरेट आपका कैसा रहा, कौन सा आपको पिक करने का मन है, कौन सा आप भी यूज़ करते हो. इफ़ आपको मतलब आपने एक्सपीरियंस कर लिया है जो चीज़ें मैंने मंगाई, जो मैंने नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे को भी बताना ताकि हम भी ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाए और मेरे को भी हेल्प हो. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.